आगरा के थाना कमला नगर पुलिस और एसओजी की टीम ने खटखट गैंग पकड़ा है। गैंग मेरठ का है। गैंग के कब्जे से लाखों के मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। आगरा में पकड़ा गया खटखट गैंग, मेरठ का है खटखट गैंग। आगरा में करता था वारदात दानिश राकेश मंसूरी। ये दानिश राकेश मंसूरी हैं, तीनों के तीन मेरठ के रहने वाले हैं। ये खटखट गैंग के सक्रिय सदस्य हैं। इस गैंग को आगरा की थाना कमला नगर पुलिस एसओजी और सर्विलांस की टीम ने पकड़ा है। ये गैंग अब तक कई वारदातों को आगरा में अंजाम दे चुका है। ये गैंग हाईवे किनारे कार के शीशे खटखटाता था, जैसे ही खिड़की खुलती थी और मोबाइल लेकर ये सात्र गैंग भाग जाता था। इनके पास से 11 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, जिनकी कीमत 8 से 9 लाख रुपए बताई जाती है। इसके अलावा इस गैंग के पास से कार भी बरामद की गई है। ये थाना कमल नगर और सर्वेलांस एसओजी टीम नगर द्वारा मिलकर एक गैंग जिसका नाम खटखट गैंग है, इसके खुलासा किया गया है। इसमें हम लोगों ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनका जो क्राइटेरिया रहता है, इनका तरीका ये रहता है कि ये लोग जो हाईवे पे गाड़ी रहती हैं, ये जो भी कारों में लोग रहते हैं, उनके खिड़कियों को खटखटाते हैं और जैसे ही वो अचानक से खिड़की खोलते हैं, इनके फ़ोन लेते हैं और छीन के भाग जाते हैं। तो ऐसे हम लोगों ने 3 लोग गिरफ्तार किए हैं। इनके पास से हम लोग को 11 मोबाइल बरामद हुए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 8 से 9 लाख रुपए है। ऐसा बताया गया है, ये गैंग आगरा के अलावा देश के कई राज्यों में वारदात को अंजाम देता था। ये गैंग बड़े शहरों में वारदात करता था। इनपे कुछ और अब पुराने भी क्राइम मिले हैं और भी DCRB के माध्यम से इनसे अब पता किया जा रहा है कि कितने और मामले हैं इनपे। और इनके पास से हमें एक और कार भी मिली है, जिसमें जाकर ये लोग पूरी ये घटना कारित करते थे। अलग अलग राज्यों में इन्होंने ऐसी घटनाएं की हैं और अलग अलग बड़े बड़े शहरों में जाकर ये घटनाएं की हैं। इस संबंध में ये हमारा एक अच्छा गुड वर्क है। ये मेरठ का गैंग है और इसमें मेनली अभी 3 लोग हैं, और भी इनसे पूछताछ में अभी हम देखेंगे कि इनके साथ और भी लोग तो नहीं जुड़े हैं। अगर और भी लोग होंगे तो हमारी टीम इसमें लगी रहेगी और फिर बाकी लोगों को गिरफ्तार करके इस गैंग को पूरा बस किया जाएगा। गैंग मेरठ का है, ऐसा माना जा रहा है कि इस गैंग के और भी साथी हो सकते हैं, जिसे पुलिस तलाश रही है। पुलिस का मानना है ये गैंग आगरा में कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। 1.5 साल से ये गैंग आगरा में वारदात को अंजाम दे रहा था। ये आगरा में एक व्यक्ति के पास, जिसका नाम दानिश, के पास 4 मुकदमे हैं। लास्ट के 1.5 या 2 सालों से बहुत ज्यादा प्रचलित में है आगरा में, और उससे पहले बाकी लखनऊ जैसे जिलों में भी इन्होंने काफी घटनाएं की हैं, मेरठ जैसे जिलों में घटनाएं की हैं। अभी आगरा में हम लोगों ने इनको बस्ट किया है और होपफुली अब आगे इस तरह की घटना आगरा में नहीं होंगी। और इनके अगर जो बाकी मेंबर्स हैं, उनको भी हम ट्रेस आउट करते हैं और उनको फिर कार्रवाई की जाएगी और इस गैंग को पूरी तरह बस्ट किया जाएगा अगर इनमें और कोई मेंबर है। इस गैंग ने आगरा पुलिस की नाक में दम कर रखा था। जिस तरीके से ये गैंग वारदात को अंजाम देता था, उससे तमाम लोग परेशान थे। पुलिस को लगातार इस गैंग के कारनामों की जानकारी मिल रही थी। पुलिस ने जाल फैलाया और गैंग को दबोच लिया। आगरा में मेरठ का खटखट गैंग सक्रिय था। गाड़ियों का दरवाजा खटखटाता था और उसके बाद वारदात को अंजाम देता था। इस गैंग के पास से पुलिस ने कीमती मोबाइल फोन बरामद किए हैं। ऐसा बताया गया है कि गैंग लंबे समय से आगरा में सक्रिय था। 3 साथी गिरफ्तार किए गए हैं। माना यह भी जा रहा है कि मेरठ के खटखट गैंग के और भी साथी आगरा में हो सकते हैं, जिनकी तलाश में पुलिस की टीमें जुटी हुई। पुलिस का दावा, इस गैंग के पकड़ में आने के बाद वारदातों में कमी आई। कितनी कमी आती है ये वक्त बताएगा। अपने साथी अगले दुबे के साथ राकेश कनौजिया, सी न्यूज़ आगरा।